मैं हूं व्रत कुमार, आप सबका स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लास में। बिल्कुल, आज हम देख रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। ब्रिटेन के लोग जो भारत में आए तो उन्होंने अपने राज शासन करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग कानून व्यवस्था बनाई और जिस वजह पर अलग अलग परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। तो हम वही देखेंगे कि ब्रिटेन के आने के दौरान या उस समय भारत का संवैधानिक विकास जो महत्वपूर्ण क्रम है जो देख रहे हैं, तो ये ब्रिटेन अलग अलग कानून व्यवस्था बनाई क्यों जरूरत पड़ी। तो आपको पता होगा कि 1757 की, ठीक है, इस समय कौन सा युद्ध हुआ था आपको पता होगा, प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच। तो इस युद्ध में अंग्रेज आए थे, पता है आपको, व्यापार के लिए, धीरे धीरे कब्जा करने लगे। तो अब फिर हुआ क्या, उन्होंने कब्जा कर लिया और इस तरह से उनके जब बात करें हम तो इसमें फिर क्या हुआ कि अंग्रेज़ों की विजय होगी और इस तरह से आधा जो बंगाल है वो तो उनके कब्जे में आ गया। अब हम बात करें नेक्स्ट, तो इस तरह से अंग्रेज हैं वो पूरी तरह से बंगाल को हैंडल नहीं करवा पा रहे थे। तो फिर हुआ क्या, उन्होंने बंगाल का आधा बंगाल अपने पास रखा, आधा बंगाल को वहाँ पर मीर कासिम को बैठा दिया ताकि क्या हो, वह पूरी जो व्यवस्था है वो कंट्रोल करने में पूरी तरह सक्षम नहीं थे, तो आधी व्यवस्था वो कर लेगा धीरे धीरे, तब तक ब्रिटेन के लोग व्यवस्थित हो जाएंगे। तब वहाँ का जो जिसको बनाया आधा बंगाल दिया मीर कासिम, वो भी सही से काम नहीं कर सका, तो वापस लड़ाई हो गई। और इस तरह से अपने बात करें 1766 में बक्सर का युद्ध हुआ था। किसका हुआ था? बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध के बाद ही बंगाल है वो पूरी तरह से किसके कब्जे में आ गया, अंग्रेज़ों के। तो अब जब अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया तो इस तरह से अब ब्रिटेन कि जो लोग हैं वह, या ईस्ट इंडिया, जो आपको पता होगा ईस्ट इंडिया उस दौरान प्रमुख थी, तो ईस्ट इंडिया ने अब बंगाल पे अधिकार कर लिया। लेकिन वहाँ पे शासन करना जरूरी होता है, तो इसलिए वहाँ पर कानूनी व्यवस्था बनानी होती है। तो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ब्रिटेन की ओर से एक कंपनी थी, जैसे हमारे भारत की ओर से अंबानी की जो कंपनी रिलायंस कंपनी अगर कहीं पर काम करती है तो इस तरह से हमारी देख रेख में वह काम करती है, क्योंकि अगर वो कंपनी ने कुछ गलत किया तो उसकी जवाबदेही हमें उठानी पड़ेगी भारत सरकार को। तो ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पे अच्छा काम तो किया, लेकिन अब वहाँ पे शासन करने के लिए कानूनी व्यवस्था है वो शुरुआत हुई ब्रिटेन की ओर से। तो अब सबसे पहले बंगाल और बंगाल से शुरुआत करने के लिए कानून व्यवस्था बनाना जरूरी था। तो इस तरह से हम बात करते हैं 1773, क्योंकि 64 के आसपास तो बंगाल को अपने अधिकार में ले लिया था, तो 1766 में बंगाल में कानूनी व्यवस्था चलाने के लिए यानी बंगाल को व्यवस्थित करने के लिए ब्रिटेन की ओर से संसद, ब्रिटेन पार्लियामेंट की ओर से कानून बनाया गया ताकि वे वहां रहकर भी भारत के इस अधिकार क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा सके और कानून व्यवस्था चला सके। तो इसलिए 1773 में एक रेगुलेटरी एक्ट बनाया। अब इस एक्ट के द्वारा हुआ क्या, तो ध्यान रखना, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल का विनिमय का अधिकार मिला, यानी इस अधिकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी नियम नहीं बनाएगी, अब वह राज जरूर करेगी, यानी उसका हक है वहाँ पे, उसने जब इसको जीता है व्यापार करने के बहाने वो अपने अधिकार किया है, लेकिन अब ब्रिटेन की ओर से ब्रिटेन मंत्रिमंडल है उनके कानून हैं वो यहाँ लागू होंगे, उनके मंत्रिमंडल यानी यहाँ पर बंगाल में कानून व्यवस्था बनाने के लिए ब्रिटेन के मंत्री कानून बनाएंगे। यह उस रेगुलेटरी एक्ट में बनाया गया ताकि क्या हो कि देखो, ये आपको ध्यान रखना है 1766 से 1773 के बीच में इतना समय लगा सोचने में कि भाई अब हम वहाँ अपने अधिकार हक जमाना चाहते हैं तो कुछ कानून तो बनाने पड़ेंगे ना, तभी तो राज कर सकते हैं। तो इसलिए पहला एक्ट बनाया था 1773 में, इसके द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के बने कानून भारत में यहाँ पर लागू होंगे। फिर बंगाल के गवर्नर, जो उस समय बंगाल का गवर्नर था, उसको नाम दे दिया, गवर्नर जनरल बना दिया गया ताकि, और वह गवर्नर जनरल है वो ब्रिटेन की ओर से नियुक्त एक व्यक्ति होता है, इस एक्ट में ये व्यवस्था कर दी गई। और कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय बना दिया गया, ठीक है, और उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश उस समय और 3 अन्य न्यायाधीश थे, उस एक प्रमुख मुख्य न्यायाधीश का नाम था एलिजा एम्पे। तो आपको ये ध्यान रखना है, 1773 एक्ट में ब्रिटेन ने शासन व्यवस्था के दौरान शुरुआत में क्या व्यवस्था रखी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सीमित में रखते हुए अपने ब्रिटेन ने अपने शक्ति, अपने कह सकते शासन व्यवस्था का जो शुरुआत है यानी नियम व्यवस्था वो भारत में शुरू कर दी थी इस समय। अब इसके बाद क्योंकि देखो, आपको पता है ना, ये अलग कानून के ऊपर कानून क्यों बने, क्योंकि हमें पता है कि एक नया कानून बना, समय के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन करना होता है, क्योंकि कुछ से ऐसी बातें जो छूट जाती हैं राज करने के लिए, तो अगले वाले कानून में कुछ संशोधन कर ले। जैसे मान लेते हैं ना, भारत का जो संविधान बना
तो बार बार इसमें संशोधन क्यों हुआ? क्योंकि समय बदलता गया और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो जरूरी था वो चीज़ें इसमें डालते गए ताकि वो एक अच्छा संविधान बना सके। तो ब्रिटेन भी एक अच्छा शासन व्यवस्था भारत में कायम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने समय समय पर अलग अलग कानून बनाए थे। तो अब बात करें ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, इस तरह से अब ये एक्ट बनाए जिसके द्वारा क्या हुआ कि कंपनी शासन को दो भागों में बांट दिया गया। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी इसको भारत में शासन करने के लिए दो कैटेगरीज में बांट दिया गया, एक तो नियंत्रक मंडल के तौर पे जो वहाँ पे नियंत्रक व्यवस्था करेगा, ठीक है ना, मैनेजिंग यानी कंट्रोल करेगा, और एक है वहाँ पे शासन व्यवस्था चलाएगा। इस तरह से ये व्यवस्था शुरुआत हुई और कानून पर कानून बनते गए। तो अब जब हम नेक्स्ट बात करें, इसी तरह से 1813 में ब्रिटेन की ओर से एक और संसद की ओर से एक और कानून आया, चार्टर एक्ट, ठीक है ना। अब इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, इस एक्ट के द्वारा भारत में क्या व्यवस्था रखी गई, तो ध्यान रखना धीरे धीरे भारत के अंदर अगर ब्रिटेन धीरे धीरे अपना पैर पछाड़ रही थी, यानी धीरे धीरे भारत पर अपना अधिकार करती जा रही थी, अलग अलग क्षेत्रों को जीतती जा रही थी। तो इस एक्ट के तहत 1813 एक्ट के तहत भारत पर कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल ध्यान रखना, इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके व्यापार को समाप्त कर दिया, क्योंकि आप यहाँ पे व्यापार नहीं करेंगे भारत में। सिर्फ चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को चालू रखा और चाय का व्यापार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत के अंतर्गत कर सकती है, बाकी कहा कि आप व्यापार नहीं करेंगे, आप यहाँ पे कंट्रोल का काम करेंगे। इस तरह से फिर दूसरा एक और का क्या काम किया ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे कंट्रोल में रखते हुए, ब्रिटेन ने 1,00,000 रुपये उस शिक्षा साहित्य पर 1,00,000 रुपये खर्च करने की व्यवस्था की कि भाई हम यहाँ पे अपना राज्य चला रहे हैं, व्यवस्था करें तो क्यों ना हम यहाँ के लोगों को भी शिक्षित करें ताकि हमारे आने वाले समय में ये लोग शिक्षित होंगे तो राज्य शासन में सहयोग करेंगे। तो 1813 में उन्होंने शिक्षा साहित्य के ऊपर 1,00,000 रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से एक और व्यवस्था हुई। एक और व्यवस्था क्या हुई कि 1813 एक्ट के तहत ही ईसाई धर्म गुरुओं को भारत में ईसाई धर्म के प्रसार करने की छूट मिली। तो प्रश्न यही आएगा, प्रश्न आएगा आपके सामने बिल्कुल कि किस एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म पादरियों को भारत में धर्म प्रसार की छूट मिली थी। बिल्कुल 1813 एक्ट में, जो अभी मैंने आपको बताया था चार्टर एक्ट में, इसके द्वारा ईसाई धर्म गुरुओं को भारत में ईसाई धर्म प्रसार की छूट मिली। बात करें 1833 का चार्टर एक्ट, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग उन्होंने एक और प्रावधान या नियम व्यवस्था बनाई और वो थी 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसके द्वारा कंपनी ने कुछ डिसीजन लिए, कुछ व्यवस्थाएं की। अब क्या व्यवस्था थी, क्योंकि कभी क्या होता है कि कंपनी अपने कार्यों से गलत प्रभाव छोड़ती हैं तो कंपनी को मैनेज करना होता है, यानी जो अंबानी की कंपनी कहीं दूसरी और काम करी जैसे मालदीप में, तो अगर वो कुछ गलत ना करें इसलिए सरकार उस पर पैरवी रखती है और अपने कानून वहाँ पर लागू रखती है। तो इस तरह से 1833 एक्ट के द्वारा कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, यानी अब ये माना गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भले ही व्यापार के बहाने भारत पे कंट्रोल किया था लेकिन अब उसका हक नहीं है, अब कंपनी है वो इस पर अधिकार नहीं जमाएगी भारत पर, अब पूरी तरह से कंपनी ब्रिटेन के अंडर में रहेगी, ठीक है। और एकाधिकार इसका समाप्त कर दिया कि अब पूरी तरह से अकेली जो ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका अधिकार नहीं होगा, अब ब्रिटेन की सरकार भी उसको कंट्रोल करेगी, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती लेकिन इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसका एकाधिकार है ना वो पूरी तरह समाप्त किया गया था। फिर बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन केंद्रीकृत कर दिया गया। क्या कर दिया गया, केंद्रीकृत, यानी अब भारत में भी शासन जो हो रहा था उसका कंट्रोल भी ब्रिटेन के पास आ गया, ये इस एक्ट के तहत हुआ। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, बिल्कुल इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल में ले लिया था, तब फिर क्या होगा भारत के अंदर शासन व्यवस्था चलानी है तो ब्रिटेन की ओर से एक पद है वो भारत में बनाया गया, वो उस पद का नाम था गवर्नर जनरल, ठीक है, जो पूरे भारत के लिए, क्योंकि इससे पहले जो बात की ना तो बंगाल के लिए होता था लेकिन अब धीरे धीरे अपने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार तो समाप्त कर दिया लेकिन अब पूरे भारत पर इंग्लैंड की ओर से एक व्यक्ति है वो काम करेगा, और उस व्यक्ति का उसका पद का नाम था जनरल गवर्नर, तो पूरे भारत के लिए होगा, तो पहला गवर्नर जनरल कौन था, आप ध्यान रखना वेरी मोस्ट है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, ये पहला भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था। किस एक्ट के तहत, 1833 एक्ट के तहत। फिर गवर्नर की परिषद में एक विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले की भी नियुक्ति हुई थी और ये विधि आयोग की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान था। आपको पता होगा लॉर्ड मैकाले जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भारत के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया था। इसके बाद समय के अकॉर्डिंग ब्रिटेन ने एक और नया कानून व्यवस्था, एक नया एक्ट और बनाया जो भारत में लागू भारत के लिए था, वो था 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है।
इसके द्वारा क्या व्यवस्था की भारत के लिए ब्रिटेन की ओर से, इस एक्ट में इसके द्वारा कार्यपालिका और विधायिका शक्तियों का पृथककरण कर दिया, यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों के काम बांट दिए गए, भारत में दोनों के कार्य बांट दिए गए, ताकि ये भारत में ब्रिटेन की ओर से जो शासन व्यवस्था है राज्य वो अच्छे से हो सके। दूसरा इसमें क्या गया, कंपनी के डायरेक्टर की नियुक्ति संबंधी अधिकार तथा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी भी इसलिए कंपनी के डायरेक्टर हैं वह शासन व्यवस्था पर ब्रिटेन की सरकार को राय देते थे और इस तरह से उनका कंट्रोल था इससे पहले, लेकिन 1853 एक्ट के तहत ब्रिटेन जो कंपनी के डायरेक्टर थे वह किसी अधिकारी की नियुक्ति में अपना योगदान देते थे। अब इस एक्ट के तहत उन डायरेक्टरों का पद, इनकी योग्यता या उनका जो पद है वो समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले कोई भी ब्रिटेन की ओर से भारत में नियुक्ति के लिए आता था तो डायरेक्टर उसके लिए व्यवस्था करते थे, उनकी नियुक्ति को प्रूव करते थे, लेकिन अब उसको हटा दिया गया, डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या हुई इस एक्ट में, अब प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भी किया जाने का विचार किया गया, जैसे अपने होता ना IAS एग्जाम वगैरह, तो इसके लिए एग्जाम, तो अब ब्रिटेन की ओर से भारत में राज शासन करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा व्यक्तियों के चुनाव और सेवाओं का प्रावधान का विचार किया गया। फिर बात करें इसी तरह 1800 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब इससे पहले चार्टर एक्ट था, लेकिन अब भारत शासन अधिनियम क्यों किया गया, क्योंकि इस दौरान ब्रिटेन का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो अधिकार था वो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, और अब पूरे भारत की जो शासन व्यवस्था है पूरे भारत की शासन व्यवस्था अंग्रेजों के पास आ गई, यानी जो ब्रिटेन के पास है, क्योंकि अंग्रेज तो पहले भारत पे अधिकार किए हुए थे लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का थोड़ा हक था, वो थोड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे मैनेजमेंट कर रही थी। लेकिन हुआ कि 1858 में क्रांति हुई थी, आपको पता ही है, इस क्रांति की वजह से ब्रिटेन का नाम खराब नहीं हो जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ से समाप्त कर दिया गया और पूरे भारत की राजव्यवस्था और कंट्रोल है वो ब्रिटेन के पास आ गई। ठीक है, तो इसकी महत्वपूर्ण बातों को हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 1858 भारत शासन अधिनियम का मतलब है अब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई और भारत पर ब्रिटेन का पूरी तरह से राज हो गया मंत्रिमंडल का। तो फिर मंत्रिमंडल ने क्या कानून व्यवस्था बनाई, ध्यान रखें 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के तहत भारत शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के पास आ गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और भारत में राज करने का अधिकार अब किसके पास आ गया, ब्रिटिश क्राउन के पास। क्राउन तो पता है ना, यानी ब्रिटेन की रानी के पास भारत का पूरा कंट्रोल आ गया, यानी उस भारत का राज करने की शक्ति किसके अंडर में आ गई, ब्रिटेन की महारानी के पास, क्योंकि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया, क्योंकि 1857 की क्रांति ऐसी हुई कि इससे ब्रिटेन पर ज़्यादा फोर्स आ गया दूसरे देशों से कि भाई ये क्या कर दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया वहाँ से। दूसरा उस एक्ट के तहत क्या किया कि अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था भारत के लिए, अब उसको हटाकर उस जगह नया पद बना दिया गया वायसराय, जो ब्रिटेन की ओर से नियोजित एक पद होता है और पूरी तरह से वह ब्रिटेन का ही एक अधिकारी होगा जो ब्रिटेन की ओर से भारत में शासन व्यवस्था करेगा, तो वायसराय बना दिया गया, ध्यान रखना कब 1858 शासन भारत शासन अधिनियम के द्वारा। प्रशासन का एक भार अब यानी पूरे भारत को चलाने का भार है वो भारतीय सचिव नामक एक पद को दिया गया, यानी वायसराय के अंतर्गत एक भारतीय सचिव था जो भारत की शासन व्यवस्था की देखरेख करने के लिए सहयोग करेगा और ब्रिटिश संसद के ऊपर आ गया। ठीक है ना, यानी मान लीजिए भारत सचिव एक पद का गए, प्रश्न ये आता है कि भारत सचिव पद का जो सृजन है वो भारत के लिए कब किया था, 1858 के समय, और वह खुद भी भारत का ही व्यक्ति था, ब्रिटेन की संसद का व्यक्ति था जो भारत का सचिव बनने वाला था। ठीक है, और पूरी तरह से वह सचिव किसके प्रति उत्तरदायी होगा, ब्रिटेन की संसद के प्रति। दूसरा क्या प्रावधान रखा गया कि उस भारतीय सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद होगी। ठीक है, और द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। द्वैत शासन का मतलब ये है कि इसमें क्या था कि डायरेक्टर भी काम करते थे, यानी कंपनी भी काम करती थी, ब्रिटेन के कानून भी लागू थे, तो इस तरह से ब्रिटेन को समाप्त कर दिया गया, यानी द्वैत शासन समाप्त हो गया, सिर्फ अब ब्रिटेन की संसद यहाँ पे राज करेगी वायसराय के द्वारा, और वायसराय भी कुछ शक्तियाँ है वो भारतीय सचिव को देगा। ठीक है, तो ये अधिनियम में हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हुई थी 1857 की क्रांति के तहत। अब हम बात करते हैं
1861 में, आप बात ध्यान रखना, 1861 में भारत परिषद अधिनियम बना था। भारत परिषद अधिनियम यानी अब पूरे भारत है वो ब्रिटेन सरकार के अंतर्गत थी, तो अब उस भारत को चलाने के लिए हर अलग अलग समय पर कानून व्यवस्था है वो ब्रिटेन से बनाई जा रही थी, नियम कानून। तो अभी एक एक्ट बना था 1861 का, इसके तहत भारत के लिए जो नियम बने उसमें ध्यान दिए कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम कितने सदस्य रखे गए, 6 और अधिकतम 12 सदस्य होंगे। कितने होंगे? 12 सदस्य होंगे, ठीक है। 16 कितने होंगे? 16 होंगे। तो सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया और इस नियुक्ति को वायसराय के द्वारा ही नियमित किया गया। दूसरा, इसमें क्या प्रावधान रखा गया कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होगी। जैसे भारत कभी मंत्रिपरिषद नहीं होती है लोकसभा राज्यसभा, तो जरूरत पड़े तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अध्यादेश लागू करता है, ऐसे ही यहाँ पे भारत की मंत्री, भारत के ऊपर राज करने के लिए एक भारत सचिव की मंत्रिपरिषद होगी, फिर भी उनके ऊपर भी कौन है? वायसराय होगा, और वायसराय कभी भी एक अध्यादेश जारी कर सकता है, ये एक प्रावधान रखा गया, वीटो कह सकते हैं। फिर इसी एक्ट के तहत पहली बार मंत्रिमंडल की व्यवस्था रखी गई, मंत्रिमंडल की व्यवस्था रखी गई और हर मंत्रिमंडल को अलग अलग विभाग दिया गया। जैसे हम बात करते ना मंत्रिपरिषद, तो हर परिषद के अंदर के जो मंत्री थे उन मंत्रियों को अलग अलग विभाग दिया गया ताकि एक अच्छी व्यवस्था कायम हो सके। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट दूसरी बात कि एक और कानून बना, वह कानून था यहाँ पे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा भारत के लिए क्या ब्रिटेन की ओर से कानून बन के आए, तो वो ध्यान रखिए, इस अधिनियम के द्वारा ध्यान रखना परिषद में शामिल भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर चर्चा का अधिकार दिया। इससे पहले देखो ये ब्रिटेन भारत में राज कर रहे थे लेकिन भारत के लोगों को कहीं भी हक नहीं दिया गया था, भारत के लिए बजट पर भी हक नहीं था, भारत के लिए जो काम नियम वगैरह जो हो रहे थे वो ब्रिटेन की ओर से हो रहे थे। लेकिन 1892 के बाद से क्या हुआ कि भारत के लिए जो इंग्लैंड की ओर से बजट प्रावधान किया जा रहा था, तो उस पर विचार विमर्श के लिए भारत के लोगों को, जो प्रमुख व्यक्ति थे उनको चर्चा करने का अधिकार तो दिया, लेकिन उनके चर्चा के अधिकार को अमल में लाना गैर मतलब जरूरी नहीं था। कहा कि आप चर्चा तो कर सकते हैं लेकिन आपकी बातों को पूरी तरह से माना जाएगा ये जरूरी नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि भारतीय सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार 1892 में दिया था, ठीक है। फिर बात करते हैं दूसरा क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, स्थानीय स्वशासन आरंभ हुआ परोक्ष रूप से, स्थानीय स्वशासन बिल्कुल आपको बता होगा ना 1882 लॉर्ड रिफिन के जनक, वो जनक है स्थानीय स्वशासन के, तो इस समय से स्थानीय स्वशासन शुरू हुआ लेकिन चुनाव है वो डायरेक्ट नहीं हुआ कि हम जिसको चुनाव सरपंच जैसे मान लीजिए वोटिंग दे रहे तो डायरेक्ट वोटिंग होती है, लेकिन यहाँ पे परोक्ष इनडायरेक्ट रूप में चुनाव की व्यवस्था थी। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ध्यान रखेंगे, 1909 का भारत परिषद अधिनियम जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, और इससे पक्का प्रश्न आपका बनेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या सुधार हुआ, यानी ये जो कानून व्यवस्था बन के, ये जो भारतीय शासन अधिनियम 1909 बन के आया, केंद्र ब्रिटेन की ओर से बनते हैं कानून और भारत के लिए लागू होते हैं, तो इसमें क्या प्रावधान था? इसमें प्रावधान था कि केंद्रीय विधानसभा में अनुरूप प्रश्न पूछने का अधिकार, यानी जो इससे पहले मैंने कहा था कि बजट पर चर्चा करने का सिर्फ अधिकार भारतीय सदस्यों को दिया था, लेकिन अब साथ ही साथ वह विधानसभा में यानी केंद्रीय विधानसभा में जो भारत के सदस्य हैं वह बजट पर चर्चा कर भी सकते थे और उसके सदस्यों से प्रश्न भी पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न। तो इस तरह से चर्चा का अधिकार धीरे धीरे भारतीय सदस्यों को भी मिलने लग गया। फिर दूसरी बात क्या हुई, प्रत्यक्ष निर्वासन मुसलमानों के लिए अलग, ध्यान रखना ये ही मार्ले मिंटो यही एक एक्ट था जिसके द्वारा धर्म के आधार पर अलग मतदान क्षेत्र के बनने शुरू हुए, यानी इसी के बाद सांप्रदायिक मतदान की शुरुआत हुई। तो ध्यान रखना मिंटो, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता माना जाता है, अलग धर्म के आधार पर अलग से मत होंगे, अलग धर्म के आधार पर अलग इलेक्शन होंगे, तो इसकी शुरुआत किसने की? लॉर्ड मिंटो ने की। कौन से अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया कि अलग धर्म के अनुसार अलग चुनाव होगा? 1909 अधिनियम के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आया है। हाँ बिल्कुल, आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों याद रखे, तो याद इसलिए रखना है क्योंकि भारत का संविधान बनने से पहले, भारत के संविधान बनने के पहले क्या व्यवस्था थी, ब्रिटेन कैसे राज कर रहा था, क्योंकि यही एक ऐसे काम थे धीरे धीरे जिससे ब्रिटेन का कुछ नॉलेज वो भारतीय को मिल रहा था और आगे जाके भारत के लिए अलग से खुद का संविधान बनने वाला था। अब इसी एक्ट के द्वारा एक और व्यवस्था होगी कि पहली बार
वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय भी होगा। इससे पहले देखो, भारत की जो वायसराय है वो ब्रिटेन की ओर से भारत का सर्वोच्च व्यक्ति होता है जो भारत में राज करता है, लेकिन उसको सलाह मशवरा देने के लिए उसकी मंत्रिपरिषद में व्यक्ति होते थे, लेकिन उसमें भारत के किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन पहली बार 1909 अधिनियम में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को शामिल किया गया, भारतीय व्यक्ति को, उसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में उस पहले व्यक्ति को नाम नाम बताइए जो उसमें शामिल था, सत्येंद्र नाथ सिन्हा 1909 अधिनियम में। फिर आता है टॉप मोस्ट, भारत पर राज करने के लिए ब्रिटेन ने एक और कानून बनाया ब्रिटेन की ओर से, भारत शासन अधिनियम 1919। और इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था। प्रांतों में जैसे भारत है की ओर से भारत और केंद्र में होता है, अलग अलग सरकार होती है, लेकिन राज्यों में भी दो सरकारें होगी, राज्यों में अलग अलग शासन व्यवस्था होगी, तो द्वैत शासन कहते हैं, प्रांतों में द्वैत शासन, ठीक है। इसके द्वारा क्या व्यवस्था रखी गई, क्या प्रावधान था कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इस अधिनियम के द्वारा कहा गया कि अब यहाँ पे भारत है, वह भारत ब्रिटेन है, वो भारत के लोगों को उनके राज करने के लिए सरकार चलाने का उनको मौका देगा, यानी अब उत्तरदायी सरकार है, वो वहाँ के लोग चला सकते हैं, उनको भी हक दिया गया। यानी ब्रिटेन जो भारत में राज कर रहा था, सरकार चला रहा था, तो अब भारत के लोगों को भी उसमें शामिल होने के लिए कहा गया, इस एक्ट के द्वारा ये प्रावधान भी रखा गया। दूसरा, द्वैत शासन, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन हुआ था। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वासन भी पूछा जा सकता है, ब्रिटेन के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वासन की व्यवस्था कब शुरू गई, 1919 अधिनियम के द्वारा, और महिलाओं को भी मतदान दिया गया। प्रांतों में शासन के विषयों का दो भागों में विभाजन किया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। तो याद रखना, प्रांतों में द्वैत शासन कौन से अधिनियम के द्वारा हुआ, 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसके द्वारा प्रांतों में विषयों का हस्तांतरण किया गया, यानी जो शक्ति शासन के जो विषय होते हैं, कार्यों का विभाजन दो भागों में किया गया, हस्तांतरित आरक्षित, ठीक है। और पहली बार केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट अलग अलग पेश कर दिए गए। वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी मेरे मित्र इसको ध्यान रखेंगे कि ये ऐसा समय था जिस समय जो बजट पारित होता था ब्रिटेन की ओर से भारत में, तो अब इसमें बजट भी अलग अलग कर दिया गया कि केंद्रीय बजट यानी भारत में जो केंद्रीय सरकार है उसके लिए बजट अलग होगा, राज्य प्रांतों के लिए अलग बजट बनाया जाएगा। तो ये पहला प्रावधान रखा गया है 1919 अधिनियम के द्वारा। फिर बात करें, एक और प्रावधान बहुत ही इंपॉर्टेंट रखा गया कि पहली बार लोक सेवा आयोग की सिफारिश रखी गई और ली कमीशन, जिसके अध्यक्ष थे E.M. White। आपको ध्यान रखना, जैसे अभी बात पता है ना, UPSC और राजस्थान की बात करें तो RPSC होती है, यानी राज्यों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है जो भारत की शासन व्यवस्था में सहयोग करें। तो ऐसे ही लोक सेवा आयोग की सिफारिश यहाँ पे स्वीकार की गई। इस अधिनियम में लोक सेवा आयोग गठित होगा जिसके द्वारा कर्मचारी की नियुक्ति होगी, और इसके लिए एक कमेटी बैठी थी, उस कमेटी का नाम था ली कमीशन, जिसके अध्यक्ष थे E.M. White। अब बात करते सबसे इम्पोर्टेंट, भारत शासन अधिनियम 1935। और इससे प्रश्न तो बहुत बार आता है फ्रेंड्स, बहुत बार, आप ध्यान रखिए, इससे प्रश्न हर एक बार बनता है, क्योंकि आपको पता होगा भारत का जो संविधान बना है ना, उस भारत के संविधान में लगभग 60% वही बातें शामिल है, वही प्रावधान शामिल है जो 1935 अधिनियम में था। यानी 1935 में ब्रिटेन ने भारत के लिए जो कानून बनाए थे ना, राज करने के लिए जो प्रावधान बनाए थे, वो प्रावधान है 100% में से 60% प्रावधान तो भारत ने कॉपी किए हैं भारत के संविधान में। यानी भारत का जो संविधान बनाया ना, उस संविधान में राज करने के लिए यानी शासन बनाने के लिए भारत का पूरा संविधान बनाया, तो भारत के संविधान में लगभग 60% एक्ट प्रावधान है वो 1935 अधिनियम से लिए गए हैं, ये आप ध्यान रखना। तो इसमें इस एक्ट के द्वारा क्या प्रावधान हुआ, इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार संघीय व्यवस्था लागू कर दी गई। संघीय व्यवस्था, एक केंद्र सरकार बाकी राज्य बनेंगे, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र सरकार द्वैत शासन किया गया, यानी प्रांतों में जो द्वैत शासन था, जैसे राजस्थान में दो अलग अलग सरकारें होगी, तो वो समाप्त कर दिया गया। अब सिर्फ केंद्र के द्वारा द्वैत शासन रखा गया। यानी जैसे आज के समय कैसा है, आज के समय एक तो भारत सरकार है, ठीक है, भारत की ओर से, फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार होती है, तो इस तरह से केंद्र में क्या रखा गया, द्वैत शासन। यानी 1935 अधिनियम के द्वारा द्वैत शासन कहाँ से शुरू किया गया, केंद्र में किया गया, और प्रांतों में द्वैत शासन का समाप्त कर दिया गया, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हाईलाइट था, इस अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग,
संघ लोक सेवा आयोग और प्रांतों में जैसे हम बात करें कि केंद्र में यूपीएससी होती है और राज्य में आरपीएससी, तो ऐसा ही प्रावधान 1935 अधिनियम के द्वारा किया गया। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रावधान था, इसके द्वारा केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई, एक केंद्र बैंक जो व्यवस्था करेगा, ठीक है ना, भारत शासन अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, फिर बात करते हैं, जैसे अभी आपको पता होगा भारतीय संविधान के द्वारा 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, 3 सूची बनाई गई है, तो वैसे ही 1935 में भी केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करने के लिए 3 सूचियां बनी थी। ठीक है, पहली है संघ सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, और संघ सूची, तो ये आज भी है। और लास्ट हम बात करें वेरी इंपॉर्टेंट जो बताया था अभी कि भारत का संविधान बनाना उसमें लगभग 60% भाग 1935 अधिनियम का लिया गया, यानी 1935 में ब्रिटेन ने जो भारत के लिए कानून बनाया था ना, तो उस कानून में से 60% बातें वो हैं जो भारत के संविधान में आज मौजूद हैं। तो इस तरह से आज यहाँ पे हमने देखा है कि भारत का जो संवैधानिक निर्माण है वो किस तरह से हुआ है। इसके आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, बिल्कुल नहीं भूलें लाइक शेयर और सब्सक्राइब का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।